लग रही है ना एकदम खिली खिली। आप सब्जियों को देखिए, सोया को देखिए, सब कितनी अच्छे से पके हैं। नमस्कार, मैं निखिल मित्तल स्वागत करता हूँ आप सबका निखिल मित्तल किचन में। आज हम बनाएंगे हैदराबादी वेज बिरयानी। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है, तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना। बिरयानी बनाने के लिए हमने लिया है एक कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस, जिसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और एक दो बार पानी में धो लेंगे। अब हम इसे पानी में सोक करेंगे लगभग आधे घंटे के लिए। अब हमने ले लिया है एक कप सोया चंक्स, जिसे हम अगेन बॉईल करेंगे लगभग इसके डबल होने तक, जबकि ये फूल कर डबल हो जाएगा और इस पर जो है वाटर आ जाएगा वाइट, जिसे हम रिमूव कर देंगे। अब हम इसे कम्प्लीटली कूल करेंगे और स्क्वीज़ कर लेंगे यूज़ करते वक्त। अब हम एक कुकर में 4 चम्मच तेल मीडियम फ्लेम पर डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच जीरा, जीरे को होने देंगे अच्छे से स्प्लैटर। इसके बाद हम डालेंगे हमारे गरम मसाले के स्पाइसेस, जैसे कि तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची और इलायची। सभी को अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये तेल में हम अपना सारा फ्लेवर छोड़ दें। अब इसमें हम डालेंगे काजू और किशमिश। अब फाइनली हम डालेंगे इसमें हमारा प्याज और लहसुन। अब हम गैस का टेम्परेचर करेंगे लो ताकि ये गोल्डन ब्राउन अच्छे से हो जाए। अब फाइनली हम डालेंगे हमारी कच्ची सब्जियाँ, जैसे कि हमारी गाजर, शिमला मिर्ची। अब मैंने इसमें आलू नहीं डाला है, आप चाहें तो आलू भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे मटर और बीन्स। ये सारी सब्जियों को हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि ये गरम मसाले का सारा फ्लेवर अब्सॉर्ब कर लें और अपना कच्चापन छोड़ दें। अब हम फाइनली डालेंगे अपने स्क्वीज़ करे हुए सोया चंक्स। सोया चंक्स डालते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये टूटे नहीं और ये अच्छी तरीके से स्क्वीज़ किए गए हों। अब इसे हम अच्छे से मिलाएंगे कम से कम 1.5 से 2 मिनट के लिए। और हम फाइनली डालेंगे हम इसमें अपना 2 चम्मच या 1.5 चम्मच बिरयानी मसाला और नमक स्वाद अनुसार। सभी को अच्छे से मिलाना है ताकि सारे फ्लेवर गरम मसाले के हमारी सभी सब्जियों और सोया चंक्स से बिछड़ जाएँ। देखिए हमारे टेस्टी सा मसाला रेडी है। अब हम अपने सोक किए हुए चावल को ट्रांसफ़र कर देंगे कुकर में और इसको हम जेंटली मिक्स करेंगे हमारे सोया चंक्स, वेजिटेबल और मसाले के साथ। और इसमें जेंटली मिक्स करने का रीज़न ये है कि हमारा चावल टूटना नहीं चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे पानी। 2.5 से 3 कप पानी हमारे लिए सफिशियंट है, क्योंकि हमारा 1 कप चावल था, 1 कप सोया चंक और रिमेनिंग वेजिटेबल थी। अब इसे हम हाई टेम्परेचर पर अच्छे से आधा कच्चा पकने देंगे। आप इसको बीच में चेक भी कर सकते हैं। अब हम फाइनली डालेंगे इसमें 1/2 कप हमारा सैफ्रॉन मिल्क। सैफ्रॉन मिल्क से काफ़ी अच्छा कलर और फ्लेवर भी आएगा। अब आप इसको प्रेशर कुक करें, 1 सीटी लगाकर, ढक्कन लगाकर, और इसे डीप प्रेशराइज होने दें। और फाइनली हमारा कुकर डीप प्रेशराइज हो गया है और हमारा सुपर टेस्टी डिलीशियस मोतियों जैसी बिरयानी रेडी है। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब हम अपनी सुपर टेस्टी डिलीशियस चैम्पटिंग सी हैदराबादी बिरयानी को सर्व करेंगे रायते के साथ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके लिए अदर कॉम्बिनेशन कौन सा अच्छा होगा। तो आपने देखा कितनी ईजिली हैदराबादी दम बिरयानी घर पर बन जाती है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।